तो फिन निफ्टी अगर हम लोग अभी देखते हैं तो फिन निफ्टी देखिए, लास्ट टू लास्ट वीडियो भी अगर आप जाके देखेंगे तो वहां पर हम लोग बात कर रहे थे कि 20,473 का जो मार्क है अभी आपका रेजिस्टेंस के हिसाब से कंसीडर हो रहा है। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस अभी इसको हमें बताना चाहिए, क्योंकि 20,473 के आसपास ही मार्केट आज गया था, लेकिन 20,430 के आसपास मार्केट क्लोजिंग किया है, तो स्टिल आप कंसीडर कर सकते हैं एज पर प्राइस एक्शन 473 इमीडिएट रेजिस्टेंस। लेकिन अभी मार्केट में अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखते हैं तो हमें कंसीडर एग्जैक्टली करना चाहिए 20,550 का जो मार्क है, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है एज पर प्राइस एक्शन, राइट। तो मार्केट जब 20,473 मतलब ये जो आपको लेवल दिख रहा है, तो इसको अगर जब मार्केट ब्रेक करेगा देन हम यहाँ पे सी पे कोई पोजीशन बना सकते हैं, मतलब अगर बनाएंगे देन यहाँ से कितना दूर जा सकता है मार्केट, 20,000 एटलीस्ट 500 या फिर 550 तक हम कंसीडर कर सकते हैं। तो ये आपका टारगेट वन के हिसाब से इसीलिए कंसीडर हो रहा है। अभी नीचे का क्या है, नीचे कब हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, देखिए नीचे अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 300 है, लेकिन इमीडिएट सपोर्ट आपको 20,365 अभी आपका इमीडिएट सपोर्ट है। तो इमीडिएट सपोर्ट लेवल जब ब्रेक होगा देन हम यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं 20,300 तक एटलीस्ट एक पोजिशन आपका बन सकता है, उसके बाद अप टू 200 तक मार्केट इजिली आ सकता है, जो ये लेवल आपको दिख रहा है, राइट। तो एटलीस्ट 20,300 तक मार्केट आ सकता है अगर 365 ब्रेक होता है तो, राइट। तो यही सारे पॉसिबिलिटीज एक्जैक्टली बन रहा है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा।